प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है लेसन 11 द ओल्ड काकी नामक पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसे ध्यानपूर्वक सुने, पढ़े और समझने प्रयास करें। There was an old lady called काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे। She crept because her hands and feet were very weak। वह रेंगकर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। Her husband had died long ago। उसका पति बहुत समय पहले चल बसा था। She lived with her nephew Budhiram। वह अपने भजीते बुधिराम के साथ रहती थी। She had transferred all the property to him। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। रूप was Budhiram's wife। रूपा बुधिराम की पत्नी थी। Budhiram had two sons and a daughter Ladli। बुधिराम के दो बेटे और एक बेटी लाडली थी। The boys never behaved properly with काकी। लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अल्पविराम they used to tease her a lot। वे उसे बहुत छेड़ा करते थे। काकी would cry out but no one listened to her। काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था। Lardly was the only one who had sympathy for काकी। केवल लाडली ही थी जिसे काकी से सहानुभूति थी। It was an evening, Sanai was being played at Budhiram's doorstep। एक शाम बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। It was his elder son's engagement। वह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था। Celebrations were going on। समारोह चल रहा था। Purees were being fried in kadhai। कढ़ाई में पूरियां तली जा रही थी। The sweet smell of ghee and spices was in the air। घी और मसालों की भीनी महक हवा में थी। Kaki was sitting in the room and it was dark inside। Kaki अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling purees। वह खस्ता और गर्मागर्म पूरियों को सूख सकती थी। Images of purees floated before her eyes। पूरियों के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। She began to move slowly and crept close to the kadhai। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी। ओल्ड काकी didn't speak a single word। बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। She returned to her room। वह अपने कमरे में वापस आ गई। She felt insulted। उसने अपने को अपमानित महसूस किया। The dinner was ready। रात का भोजन तैयार था। All the guests had started eating। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। Kaki in her room thought not to go until she was called। Kaki ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि वह जब तक उसे बुलाया न जाए उसे नहीं जाना चाहिए। The pleasant smell of food was tempting but no one came to call her for dinner। खाने की
लुभावनी महक उसे ललचा रही थी, परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। Thinking she is not a guest that she should wait for the call, she decided to go outside. यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। She crept into the courtyard, but bad luck, one of the guests saw her and shouted, "Who is this old woman?" वह बरामदे तक रेंगती हुई पहुंची, पर एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, "कौन है ये बूढ़ी औरत?" Where has she come from? Be careful, she may touch someone. कहां से आई है ये? सावधान रहो, कहीं ये किसी को छू न ले। पंडित बुधिराम became furious. पंडित बुधिराम गुस्से में आ गया। He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा और उसके कमरे तक घसीट लाया। Seeing this, Lardly felt really bad. यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। She thought, what if Kaki had eaten before the guests? उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर Kaki मेहमानों से पहले खा लेती? Would she have eaten all the purees? क्या वह सारी पूरियां खा डालती? It was 11 in the night. रात के 11 बजे थे। Everyone was sleeping. सभी सो रहे थे। Lardly had not eaten her purees yet. Lardly ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, उसने पूरियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली और Kaki के कमरे में जाकर बोली, Get up, Kaki, I have brought purees for you. उठो Kaki, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। Kaki asked, Has your mother sent these? Kaki ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? Lardly replied, No, it's my share. Lardly ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। Kaki finished all the purees, but she was still hungry. Kaki ने सारी पूरियां खा ली, परंतु वह अभी भी भूखी थी। Kaki said to Lardly, Child, go to your mother and bring some more. Kaki ने लाडली से कहा, बच्ची, अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूरियां ले आओ। लाडली replied, If I wake her up, she will get angry. लाडली ने उत्तर दिया, अगर मैंने उन्हें जगाया तो वह गुस्सा हो जाएंगी। Kaki said, Take me to the place where the guests sit. Kaki ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेहमानों ने खाया था। Lardly took her and made her sit among the pattles. Lardly उन्हें ले और पत्तलों के बीच बैठा दिया। Kaki was picking the leftover food and eating. Kaki ने मेहमानों के द्वारा झूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू किया। Rupa was stunned. तभी Rupa जाग गई। उसने लाडली को अपने साथ नहीं पाया। वह बाहर बरामदे में गई और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। Kaki बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। Rupa अवाक हो गई। She felt sorry for Kaki who remained hungry even on a day of feast where so many people had food to their content. उसे Kaki के बारे में जानकर दुख हुआ कि
जिस घर में दावत के दिन जी भरकर मेहमानों ने खाया, उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी बिहेव्ड लाइक डिजेस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ प्यूरेज। काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए किया। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वह स्तब्ध रह गई। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड। रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। विद टियरफुल आईज शी सेड गेट अप काकी। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, उठो काकी। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग योर फूड। मैंने बहुत बड़ी भूल की है आपको खाना ना परोसकर। प्लीज फॉरगिव मी। कृपा करके मुझे माफ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड। इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगिव हर एंड बिगैन ईटिंग। उसने रूपा को माफ कर दिया और खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली। काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया। प्रिय विद्यार्थियों, दी ओल्ड काकी नामक पाठ का संपूर्ण अनुवाद समाप्त होता है।